अगर मैं अंधा हो गया तो पाल लोगे मुझे? हाँ, पक्का। अपने वाला तो कौन छोड़ता है। आज हमारे घर में एक नया मेंबर आ रहा है। कुत्ता है। हेलो। आज हम पापा आपके लिए एक चीज लेके आ रखे हैं। देख रहा है? ओए हीरो। नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दिस इज माय फर्स्ट डे आफ्टर द ऑपरेशन। एंड मैंने जब ऑपरेशन कराया था ना, तो मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया गया था कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, मेरी जो ये वाली आंख है ना, वो तो परफेक्टली फाइन है, बट अगर मैं आपको अपनी लेफ्ट वाली आई दिखाऊँ ना, तो ये ऑलमोस्ट पूरी रेड हो रखी है। मैं ना इस चीज़ के लिए बहुत स्केयर्ड था गाइस। मैंने अपनी आँख अभी देखी है, कल से मेरे को घर वाले मना कर रहे थे आँख देखने के लिए, बट मेरी लेफ्ट आई पे ना इन्फेक्शन बन चुका है। एंड मुझे डॉक्टर ने साफ बोला था इफ दिस हैपेंस तो थोड़ी दिक्कत आएंगी, तो आई एम रियली स्केयर्ड फॉर नाउ। मैंने सोचा नहीं था कि ऑपरेशन ऐसे जाएगा। राइट वाली आँख तो बिल्कुल मस्त है, बट लेफ्ट वाली आँख ना थोड़ा स्वेल भी कर गई है, तो आई एम स्केयर्ड थोड़ा सा, बिकॉज अपनी आँख देख करके थोड़ा सा डर लग रहा है। कल भी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपकी आँख की आई साइड चली जाती है। मुझे दिख तो सही रहा है, मैं दवाइयाँ भी डाल रहा हूँ, बट जब मैं अपनी आँख को शीशे में देख रहा हूँ ना, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अपनी आंख ऐसे देख रहा हूँ ऑपरेशन के बाद। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले हैं गाइस, अर्जेंटली मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर ज्यादा इन्फेक्शन फैला तो फिर बहुत दिक्कत है। एंड द थिंग इज, मैं अपना फेस नहीं धो सकता, मैं अपने फेस पे पानी नहीं लगा सकता। फॉर अ वीक यू हैव टू सी मी लाइक दिस। मुझे पता है मेरी हालत बहुत खराब है, बट फिर भी आई विल व्लॉग, बिकॉज लास्ट वाले व्लॉग के कमेंट मैंने पढ़े थे, पीपल वर लाइक कि बाबू भैया व्लॉग, तो कर रहे हैं व्लॉग गाइस। मैं तो परेशान हो ही रखा हूं, मैंने अपने घर वालों को भी पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रहे हैं। परेशानी होती है अपने बच्चों के लिए, करने परेशानी होती है। इसे परेशानी बोलते हो, इससे ज्यादा आएगी तब तो उसे क्या बोलोगे तुम? अगर मैं अंधा हो गया तो पाल लोगे मुझे? हाँ, पक्का। अपने वाला तो कौन छोड़ता है, कैसे बोलोगे? पहले तो होने नहीं देंगे। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है गाइस। कुछ नहीं होगा, बाहर से कौवा भी बोल रहा है नहीं होगा। तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं मम्मी, वो ना आई ड्रॉप डालते हैं, जिससे कि आपकी आंख ना सुन्न हो जाए। तो यार दिस इज टेक टू, वो कौवा चला रहा था बाहर से, तो मम्मी से भगा के आई है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो आपकी आंखों में दवाई डाल करके सुन कर देते हैं। उसके बाद व्हाट दे डू इज, वो आपकी ना एक सक्शन लगाते हैं आपकी आंख में, जिससे आपका आई बॉल ना आंख से थोड़ा सा बाहर आता है और वो उस मशीन के अंदर चले जाते हैं, और आपको वो फील हो रहा होता है। एक्चुअली में आपका आई बॉल आधा बाहर आ रखा होता है, फिर वो मशीन में ना आपका आई बॉल फिक्स कर लेते हैं और आपको बोलते हैं एक रेड लाइट पर फोकस करो। पहले वो लाइट ग्रीन होती है, उसके बाद वो लाइट ना रेड हो जाती है, एंड उसके बाद लेजर आती है 35 सेकंड के लिए। तो वो 35 सेकंड में ना आपकी लेजर लाइक करेक्ट करती है, जो भी चीज करेक्ट करने को होती है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरी मशीन में लेके जाते हैं, और वो जो ऊपर वाली लेयर उन्होंने हटाई थी ना, वो से ऐसे चिपका देते हैं, और फिर हाथ से ऐसे करके वो से वापस चिपका देते हैं। अब ये तो प्रोसेस उसका था, राइट वाली आई पे तो एकदम मस गया। कोई नहीं ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चिलमार तू बोलता है, मैं चिलमार, तू भी चिलमार। मैं तो मार ही रहा हूँ जिंदगी से अच्छे। बट थैंक यू सो मच यार, बहुत सारे लोग, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे आज पहली बार स्टोरी डाली थी ना, मैं इतने सारे लोग मैसेज कर रहे थे, शुक्रिया इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। कई बोलते हैं वो यहाँ से जुड़े हैं, तेरे यहाँ से। हाँ, मुझे विश्वास है कि लोग यहाँ से जुड़े हैं। तो गाइस दिस इज डे 1 आउटसाइड में, एंड अभी एक हफ्ते तक आई हैव टू यूज दिस सनग्लासेस बाहर जाने के लिए भी एंड अंदर रहने के लिए भी, बिकॉज अभी लाइट से थोड़ा सा दिक्कत है। बाहर निकलती है ना, लेफ्ट वाली आई थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास आ रहे हैं। एंड आज आपका गाड़ी भाई नहीं चलाएगा, उनकी बहन चलाएगी। चला लोगे बहन? गिराना मत बस। थैंक यू, बिग फैन मैम, बिग फैन। तो यार मेरा पहला दिन है बाहर, और आज मुझे चीजें थोड़ी अच्छी सी दिखाई दे रही हैं। एंड द थिंग इज, हम लोगों ने ये फ्री वाला पास लगा लिया। ये जो आप पास देख रहे हैं ना गाइस, अब हमें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज इस टोल के अप्रोक्सीमेटली 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है, उन लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री है, बिकॉज हम लोग यहाँ से डेली पास आउट करते हैं, हमारा ये टोल फ्री हो चुका है। नहीं तो मेरे को हर बारी 70 रुपए देने पड़ते थे। बट मम्मी फाइनली आपके लड़के को दिखने लग गया है। जब ये चश्मा भी हट जाएगा तो और अच्छा दिखाई देगा। अभी थोड़ा अंदर दिखाई दे, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, बट दिख रहा है, फिर रंगीन दुनिया दिखाई देगी। तो यार हम लोग आए थे हॉस्पिटल, एंड द थिंग इज, देयर इज गुड न्यूज़। मेरी आंख में जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि एक सक्शन लगाते हैं आई बॉल निकालने के लिए, तो वो जब सक्शन निकला होगा तो उसने थोड़ी सी ब्लड वेसल डैमेज कर दी होंगी, तो वो थोड़ा सा ब्लड है, प्योर वीक में रिकवर कर जाएगा। बट मेरी आंखें एकदम मस्त कर रही हैं, एंड ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। फाइनली आपके लौंडे को देखने लग गया मम्मी। क्या बोल रहा था, अंधा होने वाली बात नहीं है। मेरे को ना एक्चुअली डर लग रही थी कि भयंकर दिखेगा नहीं दिखेगा, बट फाइनली दिख रहा है, एंड सब कुछ सही हो गया गाइस। तो गाइस अभी की कहानी है कि मैं मम्मी को लेके आऊँ एक रेस्टोरेंट में। मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव निकला है, नॉट ओनली दिस गाइस, आज हमारे घर में
एक नया मेंबर आ रहा है एंड मैं मम्मी से ना पिछले कुछ दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यू नो एक नया मेंबर चाहिए। मेरी मम्मी ना बहुत गाली कर रही थी, ऑलरेडी 3 कुत्ते पाले हुए मैंने घर में, एक सैंडी और 2 मैं और मेरा भाई, तो मम्मी एक कुत्ता लाने के लिए बहुत मना कर रही थी। बट फाइनली मैंने मम्मी को कैसे कैसे करके मना ही लिया, क्योंकि ना सैंडी ना बहुत अकेली हो गई है एंड यू नो सैंडी ना थोड़ी बूढ़ी स्टेज में पहुंच गई है। वो ना दिन भर उसका काम ना केवल सोने का ही है एंड उसके कारण ना मम्मी उसके पैर पूर सूज जाते, कुछ करती नहीं। मैं अभी देख सामगो तेरे पापा जब आएंगे नए सदस्य कैसे वेलकम तेरा भी होता है, कुछ कभी होता है। पापा बहुत डांटेंगे मेरे को कि मैं नया लाइक डॉग लेके आ गया, बट द थिंग इज वी आर गेटिंग अ न्यू डॉग टुडे एंड हम लोगों ने 2 ब्रीड देखे हैं। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में, मैं मम्मी को यहाँ पर खाना इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मेरे को मम्मी को मनाना है। अगले दिन पापा को भी लाना, पापा को तो मैं कार में बैठा करके लेके जाऊंगा कि पापा प्लीज मान जाओ नए डॉग के लिए। फिलहाल अभी हम लोग एक पेट शॉप पर गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से देखा, वो अभी 1 घंटे में लेके आ रहे हैं, तो तब तक मम्मी को खाना खिला करके मना रहा हूँ और दिखाते हैं आपको गाइस नए मेंबर्स मिलाते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस एक्चुअली आज थर्सडे, तो थर्सडे को हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, तो मम्मी ने दाल मखनी मंगाई है। मम्मी तो खाती नहीं बट मम्मी ने मेरे को भी बैन लगा दिया। बढ़िया तो क्या बेटा, ये आगे जाके पता चलेगा तुम लोग। मास्क तो हटा दो भाई, खाना खा रहे हो मास्क तो। मैंने कहा आगे जाके पता चलेगा तुम्हें क्यों बोलती थी मम्मी मना कर, ठीक है ना। तैयार, हम लोगों ने दाल मखनी और ग्रीन सैलेड, शुद्ध शाकाहारी एंड ये शुद्ध मांसाहारी लड़की है। इस लड़की ने पता है भगवान के नाम कैसे याद रख रखे हैं, विष्णु भगवान जी मतलब थर्सडे वाले भगवान जी, हनुमान जी मतलब सैटरडे वाले भगवान जी। ओके गाइस, हमें भगवान की भी नॉलेज हो गई है, फिलहाल अभी खाना खाते हैं एंड फिर आ रहे हमारे डॉगी उनसे मिलने जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आए अपना एक नया बेटा खरीदने के लिए एंड आपको पता है सैंडी फीमेल है, तो हम लोगों ने सोचा इस बार हम लोग मेल लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 ब्रीड ऑप्शन चूज करे थे, सबसे पहला इज दिस इज शिट्ज़ू एंड ये ऑलमोस्ट 50 डेज का है। हेलो शिट्ज़ू, हेलो। एंड गाइस दूसरा इज कल्चरल पॉम, हेलो बेटी, हेलो कैसे हो आप, तो सही लग रहा है ना। गाइस हम लोग इन दोनों में से चूज कर रहे हैं, सबसे पहला ये हमारा एंड दूसरा इज ये थोड़ा सा डरा हुआ, आई डोंट नो क्यों। हेलो शिट्ज़ू, हेलो शिट्ज़ू, हेलो शिट्ज़ू, हेलो। तो गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग कल्चरल पॉम उठा रहे हैं बिकॉज ये ज्यादा क्यूट लग रहा है। मम्मी कौन सा वाला उठा रहा है, ये ना भव्या, तुम्हारे भाई को डालें, काश तुम भी इतने सुंदर होते। फाइनली गाइस हम लोगों ने फोन कर लिया अपने छोटे भाई को और मम्मी ने इसे तो लिया ही लिया है, साथ ही साथ मम्मी ने इसका एक बेड भी लिया है, तो हम लोग ये सारी चीजें ले रहे हैं और थोड़ा हम लोगों ने गाइस इसका खाना भी लिया। भैया की शॉप है, भैया किस नाम से शॉप, ग्लोबल पटवट, तो आप इनसे खरीद सकते हैं एंड वी हैव आवर ओन बेबी। चलो घर, सैंडी से मिलाएंगे आपको। अभी हम लोगों ने इसका नाम नहीं रखा है, अभी घर जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा खुश कलम होएगा, वो सोचेगा कि हम लोग इसे कहां से उठा के लेके आ गए। एंड लुक एट दिस, ये कितना छोटा सा है भाई, कितना पुद्दू सा है ये। भाई मम्मी कितना छोटा सा ना, नई गाड़ी में आपका स्वागत हो रहा है, नई गाड़ी में आपका स्वागत हो रहा है, हमारी कन्नी नाराज है। सो गाइस हम लोगों ने इसका एक नया पेट खरीदा है एंड हेलो हेलो कैसे हो। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितनी खुशी मिल रही है, हम लोग जब एक नया परिवार का सदस्य घर लेकर के जाते ना। अब यार तुम्हारा नया भाई आ चुका है, बहन 3 भाई हो गए तुम्हारे, अच्छा से ना मम्मी। हम लोग घर पहुंच गए। आपको अपने घर से मिलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, हम आपको घर दिखाएंगे, जल्दी आओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी, आप तो खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। आइए कितने का लाए, खोल खोल खोल, YouTube से वो आ रहा है क्या, कार्ड से, YouTube से, YouTube से मैं तो बोल दिया, मन में गिफ्ट आ गया तेरा, बर्थडे गिफ्ट आ गया, कुत्ता है। हेलो पूरा पोट, ये उठा ये उठा ये उठा, अभी उसका वो पूजा करना ना, पूजा करना भी। डर क्यों रहे हो बेबी, नहीं नहीं लुक एट सैंडी गाइस, बाहर का जा रही सैंडी, इतनी एक्साइटेड मत हो ये गाइस, अभी थोड़ा सा डरा हुआ है, आई डोंट नो क्यों डरा हुआ है, बट सैंडी भाई आया, आपका आपका छोटा भाई आया है, आ जाओ सैंडी, आपका छोटा भाई सैंडी नीचे, सैंडी नीचे बैठ, अच्छा पहले नीचे बैठो, नीचे बैठो, पहले इजी 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 सैंडी इजी। सैंडी ना बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो भी पहली बारी किसी से मिल रही है एंड इसकी पूजा हो रही है, पहली बारी घर पे आ रहा है तो ये हेलो। हेलो वेलकम टू द परिवार, और ये हमारी बेटी सैंडी, रुक जा पहले, रुक जा रुक जा रुक जा,
ओ भाई। तो गाइस हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सैंडी को इससे। इसका बेटा है सैंडी, किसका भाई है ये? ये तो आपका भाई है सैंडी, आपका भाई आ गया। ये तो सैंडी का भाई है। कौन है सैंडी, कौन है ये? अबे डर क्यों रहा है सैंडी? ये डरपोक लेंडी कुत्ता हमारा डर रही है। सैंडी डरता कौन है? सैंडी आपने तो ध्यान रखना, अब तो बिल्ली से बचाने है सैंडी। तो यार सैंडी ना इतनी एक्साइटेड हो रखी है कि उसने लार लार से ना उसको पूरा गीला कर दिया। जस्ट लुक यार, इतना सा तो है। और सैंडी क्या इतनी खुशी। तो गाइस हम लोग इसे अभी लेके आए छत पे और सैंडी ने तो अलग ही ड्रामा मचा रखा है। सैंडी ना अनकॉन्शियस हो रखी है कि ये कौन आ रखा है। अब तो हम उसको ज्यादा प्यार करेंगे। ये है हमारा नया बेटा। ये पता है मिल रही है उससे और डर भी रही है एट द सेम टाइम। मनु बुलाइयो, मनु बुलाना उसको। कैसे चल रहा है ये? जाओ भव्य के पास आ रहा है। अब देखना सैंडी ने इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रखी है। यार अभी हम लोग इसे खाना दे रहे हैं एंड अतुल इसके सीरियल ना भिगा के लेकर क्या है। तो यार इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, सैंडी को भी भूख लगी है। नहीं नहीं सैंडी नहीं नहीं, आपका नहीं है सैंडी। भाई ये इतना तीतर है ना और ये इतनी जल्दी जल्दी खा रहा है। लाइक लुक एट हर, ओ भाई इसको बहुत भूख लगा हुआ था लेकिन ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा डॉग फूड दिया गाइस इसे एंड दैट विल बी ऑल। इसके लिए ज्यादा इसको ज्यादा फीड नहीं कराना है सैंडी। अगर आपके भाई को ज्यादा फीड कराएंगे तो फिर उसका पेट दर्द हो जाएगा। और आपको भी देते हैं मनु, उसको सैंडी के लिए लेके आइयो दाने। तो यार पापा आ चुके हैं एंड पापा को भी बिल्कुल भी आईडिया नहीं कि हमने घर में कौन लेके आ रखा है एंड पापा ना बहुत शौक होने वाले हैं। व्हाट इज अप, पापा इज फाइनली होम। आज सैंडी आज हम पापा आपके लिए एक चीज लेके आ रखे हैं। मुझे पता है कुछ तिलक तुलक से तो लग रहा है। क्या लेके आ रखे होंगे बताओ? जो भी होगा लेकिन आज मैं भी ला रखा हूँ। आज आज मैं भी लाया हूँ लेकिन अभी ये तो सैंडी के लिए लाए। ये तो सैंडी, ओए इसमें तो मैं बैठूंगा, यही है मेरे लिए। मैं तो इसमें बैठा, ये मेरा, चलो बैठो इसमें, बैठ जाओ। पापा मन्नू के पास क्या है आज बताओ? इधर इधर सैंडी का छोटा भाई आ गया। ए, क्या प्यारा है। ए, देख रहा है। ए, हीरो ना बोलते बोलते गए ना, आप इतने ही रोगे। देखो कितना प्यार से देख रहा है। हाँ कौन है? सैंडी है, पापा है, सैंडी का छोटा भाई है ये। हेलो बाल हो गए मोटू के, डांटा देखो माँ बच्चा। हेलो हेलो हमारा भाई पकड़ना उसको। कहाँ गया? कहाँ गया सैंडी, कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ गया वो? इसका नाम रखो जूली। जूली इसलिए रहेगा क्योंकि जो हमारा जब तू पैदा हुआ था ना तब मैं कुत्ते का बच्चा लाया था और उसका नाम था जूली। तो जब तू छोटा सा था वो तेरे ध्यान रखता और हम बाहर तुझको धूप में रख देते थे और जूली तेरा पूरा ध्यान रखता। एक गाँव की औरत आई थी, उसने तुझे हाथ लगाया था, जूली ने उसके टुकड़े कर दिए थे उस औरत के, तो इसलिए इसका नाम रहेगा जूली। और मैं बहुत समय से सोच रहा था कराएगा तो उसका नाम रहेगा जूली। तो तब हमें याद रहेगा कि जूली पहले थी और जूली के अंतिम दिन बहुत बुरे गुजरे। इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट पापा कोई नहीं, जूली अब नए अवतार में आपके घर में आए। हेलो जूली। इतना छोटा सा बाप पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ घूम रहा है, ऐसे गिलहरी की तरह घूम रहा है पूरे घर में, पता है। तो हम लोग जूली को पहली बार बाहर लेकर के आए एंड ये डरपोक अभी डर रहा है थोड़ा सा लाइक बाहर की दुनिया से। आज जूली घूम के आएंगे, ये आप ही की जगह में घूमना है आपने। देखो सैंडी कहिए ना, जाओ सैंडी के साथ जाओ, जूली जाओ सैंडी के साथ जाओ। नहीं जाना आपको सैंडी के साथ, नहीं जाना। ये तो ऐसा लग रहा है भयंकर जैसे वो ऑक्स के बच्चे नहीं होते। और क्यूट कितना है सैंडी का बेबी होगा। और जब दूसरा होगा फिर आपको देंगे हैं। आपको भी देंगे, आप सैंडी को ले जाओ। ये किसका नाम क्या है? जूली। लड़की है या लड़का? लड़का है, भाई है ना, जैसे तुम्हारा वन सैंडी के बुआ। देखो ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें मिलेगा ठीक है। जस्टिफिकेशन देखो बच्चों के, दिखा देना आपका। हाँ ये लड़का है, ये इसको मिलेगा। तो पापा कैसा लग रहा है आपको, आप नाना बोलते हुए भी? देखो आज मेरी मीटिंग छुट्टी 5 बजे है, घर पहुंचा मैं 5:35 पे, केवल 35 मिनट, जबकि मैं रोज पहुंचता था
6:30 बजे, डेढ़ घंटे में। और तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी, देर क्यों आए। इसको कहते हैं टाइम। जब खुशियां होती हैं, बांटनी होती है ना, तो टाइम छोटा लगता है, और जब बुरा समय होता है तो टाइम बहुत लंबा लगता है कि बुरा समय कब बीतेगा। आज मैं 35 मिनट में आया और ये प्यारा सा बच्चा है, तो सच में प्यारा लग रहा है। ओ हीरो अभी छुप रहा है भाई। ये देखो, हीरो ने अपनी मुंडी कांच पर रखी। हीरो अपनी मुंडी बाहर नहीं, यहाँ से दिखाओ हीरो की मुंडी। हेलो हेलो जूली, इसका नाम जूली है ना, बोल रहा था लेकिन आ गया। तो गाइस, दिस विल बी ऑल फॉर द व्लॉग। आजकल मेरी हालत थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि यार मैं आजकल अपनी शक्ल नहीं धुल सकता हूँ, और पानी तो अवॉइड है मेरे लिए एक हफ्ते तक। मैं नहा भी केवल गर्दन से नीचे सकता हूँ, तो बाल भी थोड़े फ्रिजी हो रहे हैं, बट आई नो थोड़ा बुरा टाइम है, निकल जाएगा। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अपने चश्मे हटा के दिखाऊँ तो मेरी आँख अभी भी गाइस केवल इतनी खुल रही है, इससे ज़्यादा मेरी आँख ज़्यादा नहीं खुल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। आज हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आया। दैट विल बी ऑल फॉर द व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।